वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली रजा। क्या करते हो? मैं सीए कर रहा हूँ। चलो सवाल करूँ? जी जरूर। मुझे बताओ, एक आदमी 8 दिन सोए बगैर जिंदा है, फिर रहा है, कैसे? उसको नींद नहीं आ रही। मतलब इसमें मैंने बताना है वजह क्या है? उसको इंसोमनिया है, बीमारी है। 8 परफेक्टली ऑलराइट। अच्छा, 8 दिन सोए बगैर वो फिर रहा है और आदमी है, इंसान है। क्या सुनाओगे? मैं शेर सुना देता हूँ। पहला शेर है, जिस दहत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और दूसरा भी सुना दूँ? दूसरा ये है कि कौन सा सुनाऊँ? हाँ, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। थैंक यू। और न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू। वेलकम जी, बहुत मज़ा आया। इन्होंने जो है वो हमें 2 शेर सुनाए और दोनों ही जो शेर हैं वो बड़े ज़बरदस्त थे। और आप देख सकते हैं कि बहुत रश है तो हम किसी और से कोई चीज़ सुनते हैं, किसी और से बात करते हैं। सामने का। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शारान। आपका नाम? शफक। कौन सी क्लास? 4। आप क्या करते हैं? मैं क्या नाम, जॉब करता हूँ। चलिए मुझे बताएं, वो कौन सा लफ्ज़ है जो हमेशा गलत लिखते हैं लोग? जो हमेशा गलत लिखते हैं? गलत। पक्का? पक्का। तालियां बजाएं। अपने लिए? आप भी बजाएं। क्या सुनाएंगे? मैं सॉन्ग सुना। और आप क्या सुनाएंगे? शेर। ठीक है, पहले सुनाएं फिर बच्ची को माइक दे दीजिए। जी ठीक। ऐ जज्बा जनू तो हिम्मत ना हार, जस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो। सफाई तो है एक अच्छा चूल, सदा चुनते रहना सफाई के फूल। वेरी नाइस। और न्यूज की तरफ से आपके लिए गए जी, बहुत क्यूट सी बच्ची थी और बड़ा मज़ा आया। इन्होंने हमें हमारे साथ अच्छी चीज़ें शेयर की और सवाल का जवाब भी सही दिया। किसी और से बात करते हैं। सामने का। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कुशमाला। क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ। चलें मुझे बताएं, वो कौन सी चीज़ है जो पैदल चलते हुए कभी नहीं थकती? पैदल चलते हुए कभी भी नहीं थकती, कोई आइडिया? बेजान चीज़ है मगर पैदल चलती है। नो आइडिया। सुनाएंगे सॉन्ग? अच्छा सा सुना। मैं अपने हस्बैंड के लिए सुनाऊंगी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। आई लव यू गफार। जबरदस्त। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। वेलकम जी, इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा गाना डेडिकेट किया। और प्यार का सीज़न है और अच्छा अच्छा मौसम है, लोग प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, अच्छे अच्छे गाने सुना रहे हैं। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर। साम, आपका नाम? साजिद जी। हफ्सा, क्या करते हो बेटा? मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं जॉब करता हूँ। चले, एक बंदा ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे चढ़ा खुदकुशी करने के लिए जी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो चढ़ा ही नहीं था, चढ़ा था ख्वाब में था, सो रहा था वो। नहीं नहीं, रियल में था। मेरा नहीं ख्याल है, बस बता रही हूँ ना, रियल था। आपने बताने से क्यों नहीं कुछ हुआ? इसलिए कुछ नहीं हुआ कि वो उठ गया सो के। दैट इज अ पहेली, हेल्प करो बेटा। चले एक और कवर था, एक और सवाल कर। श्योर। आप सो रहे हैं, आपका दरवाज़ा नॉक हुआ है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? लाइट जलाएंगे? जाऊंगा।
ہم لائک کہ وہ اتنی رات کو ہوگا تو پھر تو ہم لوگ ضرور ڈریں گے, اگر صبح ہوگا تو نہیں. آپ کہو گے کیا, پوچھو گے کون ہے, دروازہ کھولو گے, لائٹ جلاؤ گے, پہلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ پہلا اسٹیپ ہم لوگ اٹھیں گے اور لائٹ جلائیں گے, پھر ہم پوچھیں گے کہ کون ہے. میرا وہی جواب ہے, میں ڈر جاؤں گا اس کو. کیوں آپ اتنے بڑے ہو کے ڈر جاتے ہیں؟ ڈر تو جی اندر سے ہوتا ہے خوف. چلیں آپ میسج دیں گے؟ بالکل. میں جی آپ چلیں میسج کے بعد آپ بچی کو مائک دے دیجیے گا. جی میرا میسج, چیف جسٹس صاحب نے ڈیم فنڈ شروع کیا ہے, اس میں بھی ہمیں فل پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور ہم نے یہ ڈیم بنانا ہے انشاءاللہ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ ہاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تھینک یو. ویری نائس. جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. السلام علیکم. کا نام؟ محمد احمد. فضان عبداللہ. کون سی کلاس؟ 4B. آپ کیا کرتے ہیں؟ بزنس کرتے ہیں. چلے مجھے بتائیں وہ کون سی چیز ہے کھانے والی ہے جس کا نام آدھا پھلوں پر ہے اور آدھا پھولوں پر؟ آدھا پھلوں پر آدھا پھولوں پر. کیا سنائیں گے آپ؟ گانا. اور آپ؟ نیشنل سانگ. ٹھیک ہے, آپ دونوں سامنے دیکھیں اور پہلے آپ نے سنانے کے بعد مائک بچے کو دے دیجیے گا. لکا چھپی بہت ہوئی سامنے آ جانا, کہاں کہاں ڈھونڈا تجھے, تھک گئی ہے اب تیری ماں, آجا سا ہوئی بس تیری فکر ڈھونڈ لا گئی, ہاں میری نظر آ جانا. دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان. ویری نائس. جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گئے بہت شکریہ. جی بہت پیاری فیملی تھی اور یہ گانا جو ہے لکا چھپی بہت ہوئی, یہ بہت ہی فیمس سانگ ہے اور بڑا ایموشنل ہے. مجھے تو بڑا یہ ایموشنل لونگ سانگ لگتا ہے, اچھا ہوتا ہے ایسی فیلنگس کو جو لوگ آپس میں شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محسن عابد. نام بیٹا؟ عائشہ. کون سی کلاس؟ 5. آپ کیا کرتے ہیں؟ بزنس کرتے ہیں. سوال کرتے ہیں آپ سے, ہماری باڈی میں دو کڈنیز ہوتی ہیں, ایک لیفٹ پہ ایک رائٹ پہ, ایک تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے, وہ کون سی والی ہوتی ہے, رائٹ یا لیفٹ؟ رائٹ والی. غلط جواب. کیا سنائیں گے؟ دونوں برابر ہوتی ہیں. لیفٹ والی اوپر. کیا سنائیں گے؟ میں ملن اقبال سناتا ہوں. اور آپ؟ پوائنٹ. سنانے کے بعد مائک اس کو دے دینا, ٹھیک ہے؟ ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, پڑتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل. شکریہ جی. Give thanks to Allah for the moons and the stars, praise him all day for what is and what was, take hold of your iman, don't give in to shaitan, oh you who believe it, give thanks to Allah, Allahu ghafoor, Allahu rahim, Allahu yuhibbul muh سنین, او خالقنا او رازقنا او یو بیلیو اٹ, گیو تھینکس ٹو اللہ. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گڈ. لاہور نیوز لاہوریاں دی جانے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں. ماشاءاللہ. باقی 2 کہاں ہیں؟ وہ بھی ادھر ہی ہیں.
अच्छा खाया पी रहे हैं, क्या खाया वैसे? अभी तो कुछ नहीं, हम लोग जा रहे हैं बाहर कहीं रेस्टोरेंट में, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा रौनक और रश है कि मुश्किल है यहाँ से कुछ मिले। जी थैंक यू जी। इन्होंने अभी बताया कि इतना रश है कि वो सोच रहे हैं कि वो कहीं और खाना खाने चले जाएं, कि उनकी बारी नहीं आ रही। ये तो सैड गर्ल है, चलें किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सुरैया बानू। समझ लिया। कौन सी क्लास? मैं बी ए पार्ट टू। हाँ यस। लड़की हो? यस आई एम गर्ल। एक्शन तो पूरा लड़कों वाला बनाया। वैसे ही बस। उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल तो इतनी छोटी क्यों लगती हो? शक्ल तो बहुत मशहूर है। वो मम्मा पापा पे चली गई ना, वो भी छोटे हैं तो मैं भी। कद नहीं, शक्ल बड़ी मशहूर है। शक्ल फिर जैसे मेरी शक्ल से भी लोग मुझे कहते हैं मैं छोटी लगती हूँ। माशाल्लाह मैं शादीशुदा हूँ तो लगती नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा भी यही। चलो कोई अच्छी बात है, चले सवाल करते हैं। ठीक है मुझे बताएं, खाने वाली चीज़ है, आधा नाम उसका फलों के ऊपर है, आधा नाम जो है फूलों पर। और कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ। अच्छा सबसे लाडला कौन? सब ही लाडले। एक नहीं सबसे लाडले, एक बता लाडले। मेरे लिए तो एक जैसे। आप कहते मैं हूँ? नहीं क्या अरे बेटी तो बहुत लाडली है मेरी, बेटे भी लाडले, बेटियाँ भी, 2 बेटे 2 बेटियाँ। मुझे तो ये लाडली लगती है, सबको एक कर ये जैसे ही रखती हूँ, बेटा हो या चाहे बेटी हो। चले जी वैसे बच्चों ये चारों में मिल जाने। बच्चों में सबसे ज्यादा बातें कौन मानता है? बातें कौन? वेरी गुड। ठीक है चले क्या सुनाएंगे आप मुझे? माशाल्लाह आप? मैंने सॉन्ग सुना, पहले आप ये सुना दें फिर आप। ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहे मदीना यज़रब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना है नूर तेरा, शम्सो कमर में तेरे लबों की लाली, शहर में तेरे लबों की लाली, शहर में तू अगर न होता, तू अगर न होता दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना। अच्छा मम्मा मैं नाच सुना रही हूँ क्या? चले सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, मेरे आका के मुद्दत हुई है, मेरे आका के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में तेरी चाहतों में। जज़ाकअल्लाह जी। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह ये बच्ची ने तो हैरान कर दिया मुझे, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, मगर स्टाइल तो है जो उसका फुल लड़कों वाला था, अच्छी लग रही थी। खैर मुझे तो अच्छी लगी, किसी और से बात करो। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अब्दुल मलिक। आपका नाम? अदील। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। क्या? सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। फोर्थ क्लास। क्या रिश्ता आप दोनों का? भाई। भाई हो? अच्छा चलो जी। कितना कभी मारा है इसको? कभी नहीं मारा। अरे कभी कभार बस गुस्सा चढ़ गया। किस बात पे मार पड़ी है इसको? जिद्दी बहुत है। क्यों जिद कर? ऐसे जितनी मान दे भाई। क्या? जितनी मान दे। नहीं ये आपकी बातें नहीं मानते? ओहो क्यों नहीं मानते? ऐसी अभी भी ऐसी लेके हम आए नहीं रहते। अच्छा जाती है, क्यों नहीं लेके आए आप? मैं पढ़ रहा था तो इन्हें जिद की हुई थी तो मैं इसी आना पड़ा। और भी भाई हैं? सर एक ही भाई। जब अब आपको तो करना पड़ेगा। चले सवाल करते हैं। जब इंसान हद से ज़्यादा डाइटिंग करता है
तो उसका कौन सा बॉडी पार्ट है जो खुद को खाना शुरू कर देता है? खुद को खाना शुरू कर देता है स्टमक, स्टमक, लीवर, फैट्स। तुम कुछ नहीं बोलते? माइक, लंग्स। बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टंग, टंग, माइंड, दिमाग, ब्रेन। क्लैपिंग करें भाई के लिए। क्या सुनाएंगे आप? काम सॉन्ग। आप सुनाने के बाद माइक इसको दे देना। कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको मेरे खुदा, तेरा मेरा जो चाले चलू मैं वहाँ, कोई तुझसा कोई मुझसा ही तुझको चुरा ले, रख लू आंखों पे मैं खोलू पल के यूं मैं, कोई मुझसा ही तुझको चुरा ले, मैं भटकता एक मुसाफिर दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा ना 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 ना। थैंक यू। और तेरी अमरां दा मून सुन ले री तेरी ओ जून सुन सुन ले, मैं का तेरे मेरे पीछे तेरा जा गया कहानियां उड़ लगूं सुन ले, जे मैं इन्नी भी नहीं पाई जो टक काली तेरे ओले ओले ते विच काली पर डा काला एकला। जबरदस्त जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए। थैंक यू जी। दोनों बड़े क्यूट से भाई थे और छोटा भाई जो है उसको बड़े गिले हैं कि बड़ा भाई जो है वो उसकी जिद्दें नहीं मानता, उसको लेके नहीं जाता, पर क्या करे, देखो वो अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर रहा है साथ साथ आपको भी लेके फिर रहा है, तो जितना मिल जाए उसमें शुक्र करना चाहिए, ठीक है ना जी। नाज़रीन टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सोलह सेवा ब्रेक।